Good morning, all my dear students. Now start the CTET exams. Clear now 2016. These questions papers will be held on 18 September 2016. Now start child development and pedagogy. Now first question is Lev Vygotsky के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के निम्न से किस विधि का आकलन देंगे, किस विधि को वरीयता देंगे. इट मीन्स तो फर्स्ट है संयोजी प्रोजेक्ट, सेकेंड है मानकीकृत प्रेक्षण, नेक्स्ट है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, नेक्स्ट है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न. तो इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं. इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है. उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है. इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते संयोजी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जा सकता है. तो इट मीन्स एक संयोजी प्रोजेक्ट लेंगे जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों का आकलन करेंगे. क्लियर हो गया. तो इट मीन्स यहाँ पर हम बात की थी कि वाइगोत्स्की साइंटिस्ट की बात की थी, उन्होंने हमेशा याद रखिए वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए माने जाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ में कह रहे हैं कि अगर बालक की हमका सोच और व्यवहार में परिवर्तन करना है तो उसका संज्ञानात्मक विकास करना होगा. और वो किस पर डिपेंड करता है, अंतर संबंधों पर. अंतर संबंध हमको समाज से मिलेंगे. जब विद्यार्थी सामाजिक रूप से समाज में विभिन्न रूपों से विभिन्न लोगों से मिलता है तो उसके संबंधों में, उसके सोच में और व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है. ठीक है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर संयोजी प्रोजेक्ट लेंगे जिसकी हेल्प से हम उसको आकलन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे या मूल्यांकन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. माय डियर स्टूडेंट, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि. तो इट मीन्स यहाँ पर बात करी जाएगी एक शिक्षक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब हर विद्यार्थी अलग अलग मेंटल लेवल का होता है, अलग अलग उसकी आदतें होती है, अलग अलग उसके कार्य होते हैं. कुछ विद्यार्थी स्लो लर्नर होते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं. फर्स्ट है शिक्षण और आकलन के समान और मान तरीके हो. अब देखिए आपके विद्यार्थी भिन्न भिन्न तरीके से हैं, अब उनका हम एक ही मानक, ठीक है, समान मानक और समान तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इम्पॉसिबल. नेक्स्ट देखिए, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें. अगर हम देखिए बच्चों को, ठीक है, अलग कर उनको नामित करेंगे, ठीक है, अंक, तो ये भी रॉन्ग होगा कि हम उसको अंकों के आधार पर नहीं कर सकते क्योंकि हम वहाँ पर बात करें व्यवहार की. ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें. ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों से हम पहले बात करेंगे, उनके व्यवहार को जानेंगे. जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उनके व्यवहार के बारे में पता चलता है. तो हम बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे. विद्यार्थी के लिए कठोर नियम तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं बच्चे, उन पर हम कठोर नियम लागू नहीं कर सकते. तो इसका ऑप्शन होगा सी माय डियर स्टूडेंट. इस वीडियो को बस अपने सामने रख दीजिए और सारे लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा ताकि आपका सीटेट इस बार क्रैक हो जाए माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, तो इट मीन्स हमें बात करें सी ऑप्शन की. हम उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि सभी छात्र लाभान्वित हो जाएंगे. क्लियर हो गया, और उनके व्यवहार का भी पता चलेगा इससे. नेक्स्ट है सी. थर्ड देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि. आकलन मतलब मूल्यांकन. मूल्यांकन कब होगा, जब हम विद्यार्थी के बारे में समझ पाएंगे कि विद्यार्थी किस सब्जेक्ट में वीक है, किस सब्जेक्ट को हमको ज़्यादा मेहनत करानी है और किस सब्जेक्ट में उसको आगे बढ़ाना है. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इससे विद्यार्थी में भय और तनाव का संचार हो. बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट ले रहे हैं या एग्जाम ले रहे हैं बच्चों पर और ज़्यादा भय और तनाव हो. ठीक है, इससे मुक्त होना चाहिए. इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो. फीडबैक मीन्स होता है जैसे आप कोई काम करते हैं, विद्यार्थी उत्साहित होते हैं कि हमारे उस बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए तो दूसरा बच्चा भी मेहनत करता है, इस बच्चे ने टॉप किया, फर्स्ट डिवीजन लाया तो वो बच्चा भी लाने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे फीडबैक से रिलेटेड. फीडबैक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हर कोई बच्चा चाहता है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करें. तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. तो विद्यार्थी और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त होता है. विद्यार्थी को भी पता चलता है हम कैसे हैं और शिक्षकों को पता चलता है कि हम विद्यार्थियों के लिए क्या प्रतिक्रिया, कितना समझ में आता है उनको, कैसे मार्क्स आ रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में हम बेस्ट हैं. ठीक है, नेक्स्ट है तो इसका आंसर बी हो गया माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट भी देख लेते हैं सी है. यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, ये जरूरी नहीं है. हम साल में कितने बार, जितने ज़्यादा बार लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट है, बच्चे उतनी मेहनत करेंगे, उतना अच्छा रिविजन होगा उनका. ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन की बिल्कुल नहीं, तुलनात्मक तुलना तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. तो इट मीन्स इसका आंसर बी है. इसे विद्यार्थी और शिक्षकों दोनों को फीडबैक प्राप्त होता है.
ठीक है माय डियर स्टूडेंट. तो इट मीन्स बी हैज का आंसर आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक के त्रुटि का ज्ञान होता रहे जिससे वो अपनी कमियों को दूर कर सके और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ. राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा NCF, इसके क्वेश्चन हर बार आते हैं, श्योर है क्वेश्चन आना, ठीक है. 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, क्या वो सत्तावादी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. अधिनायक नहीं, अनुमति परक बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सुविधादाता, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने बच्चों को सुविधा प्रदान करे. तो इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए. वो बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. फिफ्थ देखिए, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिकम. अनुसंधान में जो स्कूल होते हैं, एक विविध कक्षा में अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से शिक्षिकाओं की अपेक्षा, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिकम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जाती है पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य में एक ऐसा संबंध होता है जिससे विद्यार्थी बहुत ऊपर भी जाता है, बहुत नीचे भी जाता है. उसके मेंटल लेवल पे, उसके व्यवहार पे, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता है. तो यहाँ पर कहेंगे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, ठीक है. आपको पता है वो घर पर अपने मदर से कितना ज़्यादा जुड़ा रहता है एक बच्चा, वैसे ही वो स्कूल में अपने टीचर से जुड़ा रहता है. तो इट मीन्स यहाँ पर उसके भावनाओं का है प्रभाव, ठीक है. तो विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षा विद्यार्थी के अधिकम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, क्योंकि कक्षा में किया गया मार्गदर्शन का कार्य करता है. क्योंकि जब शिक्षक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेगा, विद्यार्थी उसी पथ पर आगे बढ़ेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट देख लेते हैं सिक्स. देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है, इसे पर कल्पना कर सकते हैं, या जिसमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है. अक्षमता मतलब जो ना कर सके उनके लिए हानिकारक है पढ़ाई, नॉट. नेक्स्ट है, विद्यार्थी पर भाव बढ़ा देगा, भार बढ़ा देगा, नॉट. ये बच्चों पे भाव नहीं बढ़ाता है, उनको इंटरेस्ट को बढ़ाता है और भी, ठीक है, उनके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है. तो इसमें नेक्स्ट है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है. हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो विद्यार्थी विशेष आवश्यकता पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है. और उनका एक दृष्टिकोण, एक नज़रिया जो होता है, जो एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो एक चीज़ में एक अच्छी धारणा के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट है सेवन्थ, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थी के अधिकम अनुभवों को बढ़ाती या कथन है. देखिए, विविध प्रकार की मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है. देखिए, विद्यार्थी कोई गरीब होते हैं, कोई अमीर होते हैं, कोई मिडिल में होते हैं, ठीक है, सामान्य होते हैं. तो इन सबको हटा के अगर हमको अधिगम कराते हैं तो उनमें क्या होगा, अगर हमको एक समान शिक्षा देंगे, एक समान चीज़ें देंगे, तो उनके अनुभवों को क्या होगा, बढ़ जाएंगे. अगर हम बच्चे बच्चे को ज़्यादा फोकस करेंगे और दूसरे बच्चे को हम कम फोकस करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, उनकी तुलना की भावना आ जाती है. लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनुभव की, तो अनुभव को बढ़ाती है, वो कैसे बढ़ाएगी, जब हम उनके एक समान शिक्षा देंगे, ठीक है. ये कथन है, क्या कथन कैसा है बताइएगा, ठीक है. गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं. अगर तुलना करके पढ़ाएंगे तो ये बात जरूर है कि वो अलग अलग महसूस करेंगे. नेक्स्ट है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं. कि बच्चे क्या है, साथ में रह के, देखिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी कक्षा में एक सी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, विविध प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं. नेक्स्ट है सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देगी. इसमें विविध प्रकार की कह रहे, विविध प्रकार की मतलब डिफरेंट डिफरेंट शिक्षा देना. अगर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी बच्चे को अच्छी, किसी बच्चे को गंदी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये कथन हमेशा गलत ही होगा. नेक्स्ट है, ठीक है, ये हो गया आपके पास सी सही, क्योंकि इसमें कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है. आंसर बिल्कुल गलत है. डी देखिए गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है. क्योंकि बच्चा हमेशा गलत तरीके से और गलत माइंड में, मेंटल लेवल
और बढ़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर है बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीख जाते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक शिक्षा भी देंगे, आर्थिक भी देंगे, सांस्कृतिक भी देंगे, सभी प्रकार की शिक्षा से युक्त कर देंगे। तो उनमें क्या होगा, बहुत सारे कौशल युक्त होंगे। तभी हम बच्चों को कहते हैं एक्टिविटी भी दो, स्कूल वर्क भी कराओ, उनको गेमिंग भी कराओ, ठीक है, और मूवी से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाओ। तो आजकल आप देखोगे कि बच्चों को इन ज़्यादा में ज़्यादा एक्टिविटी में फोकस किया, ताकि बच्चे आगे चढ़ के सारे कौशल युक्त हो जाए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर बी है, क्योंकि बच्चे सारे कौशल सीख जाएंगे जितने भी कौशल है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए या नियमित विद्यालय में नहीं, ठीक है। श्रवण सुनने में असमर्थ है, केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे अनेक स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सिर्फ व्यवसाय से रिलेटेड होना चाहिए, ये कौन सी बात है। नेक्स्ट देखिए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। वेरी गुड ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं कि बच्चे को उससे रिलेटेड सारी सुविधाएँ दी जाए, जिससे बच्चा वो सारी चीज़ें कर सके जो और सामान्य बच्चे करते हैं, तो इससे बच्चा और आगे बढ़ेगा। तो यहीं पर इसका आंसर सी हो जाता है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है, तो इतनी समावेशी मतलब सभी बच्चों को एक समान समावेशित करके, एक साथ करके, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। डी भी देख लीजिए, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो सामान्य विद्यार्थियों की तरह प्रदर्शन नहीं कर पाए, कर पाएगा जब उसे सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट है 9 देखिए माय डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। प्रतिभावान कहते हैं जो बहुत ज़्यादा जीनियस होता है, इंटेलिजेंट होता है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, तो इसे कहेंगे प्रतिभावान। नो, यदि कक्षा की गतिविधि अनेक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए उसको हमेशा प्रतिभान वाले विद्यार्थी को अपने, देखिए वो उसको हम सारे क्लास के बच्चों को हम इजी क्वेश्चन देंगे, तो वो बच्चा भी इजी क्वेश्चन कर करके थक जाएगा और वो ऊब जाएगा। तो उसे चाहिए कि उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाए, जितना उसका मेंटल लेवल पहुंच गया है उस मेंटल। देखिए आप क्लास के अकॉर्डिंग, जब 5th क्लास में जाते हैं तो आपकी बुक्स का स्टेटस अलग होता है, 10th में जाते हैं तो उसका बुक्स का स्टेटस अलग होता है, तो इसलिए हम सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए सिलेबस में फोकस करते हैं ताकि बच्चा उबे नहीं, उसका मेंटल लेवल उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बनाया जाता है ताकि बच्चा कंटिन्यू मेहनत करते जाए और पढ़ाई से उबे नहीं, ठीक है, उसके लेवल के रहे। तो यहाँ पर कहते हैं वो क्या हो जाएगा, उब जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, वह बहुत तुनक मिजाज हो जाता है, रॉन्ग, वो रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना, ये तो प्रतिभावान बालक की है ही नहीं। तो बी ऑप्शन है, प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती, वो कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। देखिए हम कक्षा में हैं और प्रभावी अधिगम मतलब अपने पढ़ाने के जो लेवल है आपके उसको और अच्छा बना सकती है, कैसे, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बच्चों को पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देके या विषय वस्तुओं को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके। जब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है तो डेली रूटीन की चीज़ों से हम उनको क्या करते हैं, बताते हैं। तो ये डी ऑप्शन बहुत बेस्ट है, क्योंकि हम जीवन से उसको संबंधित करके पढ़ाएं तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है कि हमारी लाइफ में ऐसा हुआ था, तो और बेस्ट तरीके से सीखते हैं। तो डी है, प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। नेक्स्ट है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप बताइए कौन सा कथन सही है, ठीक है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, आप बताइए इसमें से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है। तो बच्चा जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, या बच्चे समस्या का समाधान कर लेते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कैसा लग रहा है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बताइए, और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 1, 2, 4 होगा या 2, 3, 4 होगा या 1, 2, 3, 4 होगा या 1, 2, 3 होगा, तो आप आंसर बताइएगा इसका। इसका आंसर देखिए, आपको आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है बी सही कथन है, ठीक है,
फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बच्चे समस्या समाधान प्राप्त करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, तो नई नई चीज़ें डिस्कवर करें तो वैज्ञानिक कहलाएंगे। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय, तो पर्यावरण में रह के और पर्यावरण के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे तो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थी के संप्रियात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। देखो प्रोत्साहन दे रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, पुराने प्रतियों से किसी संबंध के बिना गए प्रतियों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए अपने आप समझा जाना चाहिए ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, रॉन्ग सेंटेंस। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, तर्क शक्ति मतलब सही गलत की पहचान कराना। ठीक है, तो इसका आंसर सी है, संप्रियात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रियात्मक परिवर्तन हो जाए तब तक दंड, बिल्कुल रॉन्ग। दंड का उपयोग तो बच्चों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमने पहले बताया था। ठीक है, आजकल की जो शिक्षा रह गई है वो दंड बिल्कुल नहीं देती है, वो हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करती है, उन्हें प्यार करती है। ठीक है बच्चों को, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन को टिक लगाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों को हम प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे उदाहरण देंगे और अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चे सही और गलत की पहचान कर सकें। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है, प्राथमिक विद्यार्थियों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब देखिए हमको कैसा वातावरण दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चीज़ों को सीख लें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है, संवेगों में आवश्यकता, देखिए संवेग हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं और कह रहे हैं भी अनुभव करें उन्हें, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, जहाँ शिक्षा एकाधिवाद, ये तो रॉन्ग है कि एक अधिकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट आदेश देता हूँ गलत, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित और बल नो, उस पर हर चीज़ का इफेक्ट आना चाहिए हमको। ठीक है, एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करना उनके साथ, जहाँ शिक्षक शहरी अधिकारों में आगे होता और विद्यार्थियों ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर ए है, बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो संवेगों में पूर्ति होती है, देखो जो बालक होता है पहले अपने घर से सीखता है, उसके बाद वो विद्यालय आता है तो अपने टीचर से सीखता है, और टीचर्स को भी हमेशा अपनी माँ के तभी कहते हैं मदर टीचर रखिए। ठीक है, जो टीचर्स होती हैं वो एक, ठीक है, मदर्स की तरह ट्रीट करती है और बच्चे के संयोग जो संवेग होते हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए आजकल की शिक्षा केंद्रक नहीं है या पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा है। यहाँ पर याद रखिए, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। एक बच्चा खिड़की के सामने कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। देखिए उसके माइंड में ये तो आ गया कि ये पक्षी है। ठीक है, अब उसके बारे में क्या विकसित हुआ, उसके माइंड में क्या विकसित हो चुका, पहले क्या सोचता था अब क्या सोच रहा है। देखिए तो इट मीन्स बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, तो क्या पहले से ही आई रहती है उसके माइंड में, या बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, अब वो पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है या विकसित हो चुका है, उसका मेंटल लेवल की चीज़ों को समझने लगा है। तो यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, ये हो गया, तो बच्चे में पक्षी का प्रत्यय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास किया है, क्या उन्होंने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है जिससे उसको पता लगाना पड़े। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि यहाँ पर बी की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, विकसित होने के बाद ही उसने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारे डियर स्टूडेंट 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन कर सके। देखिए कोई शिक्षिका है विद्यार्थियों के लिए, देखिए जो भी काम करे अगर मन से करें तो विद्यार्थी और अच्छी कोशिश करते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो हम उसको भीतर से प्रेरणा देना चाहते हैं कि और प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखिए पहला है, चलो इससे कर उसके करने से पहले समाप्त कर लो, पहला ऑप्शन रॉन्ग। तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सको, देखिए उसने इससे एकदम ठीक कर दिया। देखो ये कंपेरिजन बिल्कुल नहीं, जैसा बच्चा है उसको उसी लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना है, यही एक टीचर का अच्छा लेवल है।
ठीक है, उससे ही अच्छा टीचर कहते हैं जो इस लेवल में काम करे। नेक्स्ट है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको गिफ्ट देने की, ठीक है, इससे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम उसको न्यू न्यू चीज़ें सिखा रहे हैं, नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं कि तुम इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, तो इट मीन्स उसके अंदर की भावनाओं को डेवलप कर रहे हैं। तो शिक्षा अपने विद्यार्थी से, तुम लोग इसे करने की कोशिश करो और तुम लोग सीख जाओगे, कोशिश ट्राई दिस, इससे विद्यार्थियों के भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित, उसमें चिंता और डर पैदा करके, रॉन्ग आंसर, प्रतियोगात्मक परीक्षण से, रॉन्ग, कोई इसका परीक्षण करके हम उसकी आंतरिक चीज़ें तो नहीं कर सकते, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करके उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करेंगे। देखिए बच्चा हमेशा उसे एक्टिव करने के लिए उसमें जो उसके अंदर भावनाएं हैं उन्हें एक्टिव करनी होगी, ठीक है, निपुण बनाना होगा उन्हें, और साथ में उन्हें मदद भी करेंगे। साफ दिखाई देने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी, रॉन्ग है, तो इट मीन्स सी इसका आंसर है कि उनको निपुण बनाएंगे उस लेवल में, उसका लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, जैसे हम कोई वर्क दे देंगे और उसको उसके टारगेट को कंप्लीट करने की उसकी मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या उत्प्रेरित, मतलब देखिए उत्प्रेरणा वो होती है जो आपके पास एक्टिवेट नहीं है उस बच्चे को हम एक्टिवेट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये हो गया सी ऑप्शन, बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में उसे निपुणता पाने में मदद कर दे। चलिए हम फटाफट क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होता है। देखिए इसका आंसर हम डायरेक्टली बता दें तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर ए है, सीखने के लिए जिसमें वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ठीक है। जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है हम वही चीज़ करते हैं, जब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता हम वो चीज़ को मन से नहीं करते, तो मन से करना है तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो प्रभावशाली शिक्षक का हमेशा विद्यार्थियों को उत्प्रेरित तभी कर पाएंगे, हम क्या करेंगे उसे जिज्ञासु बनाएंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी देंगे जिससे वो जानने के लिए उत्सुक हो, उसकी उत्सुकता बढ़े, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली होगा, निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन करेंगे, शारीरिक दंड देंगे, दोनों ऑप्शन गलत, व्यक्ति सापेक्ष अधिक, जैसा व्यक्ति है उसके सापेक्ष ही उसको अधिकम कराएंगे, प्रतियोगितात्मक कक्षा तो रॉन्ग है, तो इसका आंसर सी होगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिकम, विद्यार्थी की प्रथा एक अनुक्रमणीय शिक्षा है। नेक्स्ट है विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है कैसे, देखिए इसका आंसर सी है, सिर से पैर की ओर, हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जमीन से आसमान की ओर बढ़ता है, या कह सकते हैं, ठीक है, जीरो से ऊपर को बढ़ता है, तो इतनी सिर से पैर की ओर बढ़ता है। सिक पदा में मस्ता का धोमुख में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, ठीक है। तो इट मीन्स कह रहे हैं प्रयोगात्मक, देखिए हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सिर से, ठीक है, उसका विकास से लेके पहले मेंटल लेवल का होता है, उसके बाद ही उसकी बॉडी का विकास होता है। तो अगर माइंड डेवलप होगा तो उसकी बॉडी होगी, देखिए हमारा सारा काम जो है, ठीक है, माइंड ही करता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे सिर से पैर की ओर होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर भी देखा गया है कि प्रसूति काल तथा जन्म के समय बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक दो प्रकार के नियमों से होता है, मस्तक दोमुखी नियम और निकट उर नियम, इन दोनों नियम को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। भाषा का विकास कब होगा, देखिए जन्मपूर्ण का समय, जन्मपूर्ण में तो उससे जन्म से भी पूर्व में तो नहीं कर पाएगा, मध्य बचपन, बचपन के मध्य में वयस्कावस्था, ये तो बहुत आगे पहुँच गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक बचपन का समय, तो जब वो क्या है बचपन का जब प्रारंभिक स्टार्ट होता है, जब वो हकला के बोलता है, धीरे धीरे उसकी संवेदना बढ़ती है तो आगे बोलना स्टार्ट करता है। डी ऑप्शन है, जीन प्याजे के अनुसार भाषा विकास के सबसे संवेदनपूर्ण समय प्रारंभिक बचपन का समय है। एक 6 वर्ष की लड़की खेतकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी, उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं के बीच पारस्परिक प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। देखिए तो आनुवंशिकता और पर्यावरण,
तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि आनुवंशिकता जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जीन्स का भी इफेक्ट पड़ता है और पर्यावरण के बीच में। देखिए एक बच्चा अगर देखिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ब्रिलियंट है, उसके साथ आप एक हफ्ते बैठ के देखिए, अगर आप चेंज नहीं होंगे तो कहिएगा। तो वैसे ही आपके पास एक छोटा सा बच्चा भी है तो सामने वाले की प्रतिक्रिया देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के बीच में परस्पर अंतर्क्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए समाजीकरण के गौण वाहक आपके पास देखिए, तो पहला तो आपके पास घर होता है और परिवार होता है। गौण जो दूसरा आता है विद्यालय और पास पड़ोस होता है। तो इसका आंसर देखिए विद्यालय और पास पड़ोस, योर आंसर इज बी। नेक्स्ट है, लेव वाइगोस्टी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? संतुलन है, सामाजिक अंत्योन्य क्रिया है, मानसिक प्रारूप, इसकी मार्च का समय है, उद्दीपक अनुक्रिया है। ले वाइगोस्टी के अनुसार इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि संज्ञानात्मक विकास जो था, ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, बी ऑप्शन। वो क्यों है, देखिए ले वाइगोस्टी के अनुसार सामाजिक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। ले वाइगोस्टी ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बताया है, कि हम यहाँ पर सामाजिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया थी, वो समाज से रिलेटेड बात की थी उन्होंने, कि समाज से अगर हम क्या करें बच्चे को लिंक करें तभी बच्चा क्या हो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। नेक्स्ट है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कुल्हौर बग ने नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें आपके पास कुल्हौर बग के देखिए विषय वस्तु किस सोपान के अंदर आएगा, पहले दंड आज्ञाकारिक अनुकूलन के यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, देखिए आप ईमानदारी समाज में दिखाएंगे, ठीक है, आपके माता पिता भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं, तो समाज में आएगा। तो सामाजिक संकुचन अनुकूलन आंसर होगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यदि आप ईमानदार हैं तो अपने माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इससे ईमानदार रहना चाहिए। यह कथा सामाजिक संकुचन के तहत आता है, इस सोपान की अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक दंड से ढंग से परखकर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों और मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो समाज के साथ आप लिंक हैं, ठीक है, कनेक्ट हैं। नेक्स्ट है, माय डियर स्टूडेंट, जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन प्याजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि हम शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की बात कर रहे हैं, सक्रिय खोजबीन तो पर्यावरण में खोजबीन करेंगे, ठीक है, जीन प्याजे के अनुसार। तो इट मीन्स ए हो गया, विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण में सक्रिय खोजबीन आवश्यक है, तभी वो सीखते हैं, ठीक है। 26 देखिए, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा जो स्कीम ली थी, ठीक है, निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारियों में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होती है, इन दो प्रक्रियाओं को माना जाता है। पहला है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, नेक्स्ट है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, नेक्स्ट है सामीकरण और संशोधन के रूप में, नेक्स्ट है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इसका आंसर डी होगा, नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। तो पुरानी योजनाओं का आगे हम क्या करते हैं, ठीक है, संशोधन किया जाता है, तो समावेशन हो जाता है उसमें। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, डी है आवृत्ति को बढ़ाता है। देखिए अगर हम बिल्कुल बुझी से क्लास होगी इसमें मज़ा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करेंगे। बच्चों को कुछ बीच में कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रवृत्ति करना, ऐसी आवृत्ति पैदा करना जिससे बच्चों का इंटरेस्ट एकदम जाग जाए। तो इट मीन्स बच्चों में